दोस्तों आज की कहानी है ननद जी, मैं आपके घर खाना नहीं खाऊंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रश्मि का आज पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था और पकवानों की सुगंध से महक रहा था। घर में शगुन के गीत गाए जा रहे थे और हंसी ठिठोली चल रही थी। ये सब आयोजन था रश्मि की बड़ी बेटी वाणी की शादी के लिए। रश्मि एक तरफ शादी के इंतजाम देख रही थी तो दूसरी तरफ आने वाले मेहमानों की खातिरदारी का भी पूरा ध्यान रख रही थी। वह नहीं चाहती थी कि मेहमानों की आव भगत में कोई कमी रहे और किसी को दो बातें बनाने का मौका मिले। आज उसे अपने पति की कमी बहुत महसूस हो रही थी। इतने सालों तक उसने किसी के सामने अपने दुख को जाहिर ना होने दिया। अपनी बेटियों की खुशी के लिए सीने पर पत्थर रख वह खुद ही पिता और माँ बन गई। उसने कभी अपनी बेटियों को पिता की कमी महसूस ना होने दी। जहाँ तक हो सका उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। उसने दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया और आज उसके जीवन में वह दिन आया है जिसका हर माता पिता को इंतजार रहता है। परसों शादी है लेकिन दूर दूर के रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। रश्मि नहीं चाहती थी कि किसी को कोई तकलीफ हो, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख ली थी। साफ सफाई बर्तन के लिए उसने एक अलग महिला को जिम्मा सौंप दिया। वैसे भी शादी के घर में सभी सजने सवरने व बातों में व्यस्त रहते हैं। सभी मेहमानों के खाने वाली के हाथों के बने खाने की बहुत तारीफ की। रश्मि खुश थी, सलो सब को उसके हाथ का बना खाना पसंद आया। तभी रश्मि की छोटी बेटी ने बताया कि मामी जी ने खाना नहीं खाया। ये सुन रश्मि अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बस ऐसे ही, बुक नहीं है भाभी, रात के 9 बज रहे हैं। आपने आने के बाद साय नाश्ता ही तो किया था, चलो उठ कर खाना खाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वैसे भी भांजी की शादी है, आपको तो खूब नाच गाना करना है। अभी रश्मि कुछ और कहती तभी किसी ने उसे नीचे काम से बुला लिया। वह अपनी बेटी को अपनी मामी को खाना परोसने की कह
चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह आई तो बेटी ने फिर कहा, मम्मी मम्मी खाना नहीं खा रही है। क्या बात है भाभी, आप आकर खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे तुम खाओ और सबको खिलाओ, हम फल मिठाई खा लेंगे। हम घर के ही तो हैं, घर के हो तो क्या खाना नहीं खाओगे भाभी? साफ साफ कहो, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो ऐसा है ननद जी, हम काम वाली के हाथों का खाना नहीं खाएंगे। पता नहीं कौन जात की है, अभी रश्मि कुछ कहती, तभी उसकी भाभी की बेटी जो 10-11 साल की थी मासूमियत से बोली, मम्मी जो आप बाहर से मंगा कर खाती हो और रेहड़ी पर गोल गप्पे टिक्की खाती हो, वो एक बार तो उसकी भाभी ये सुन झिप गई, लेकिन फिर बात बनाते हुए बोली, अरे वह तो होटल वाले बनाते हैं ना भाभी, साए होटल में खाओ या रेस्टोरेंट में बनाते तो उसे आदमी ही है ना। क्या आपको उन सब की जाति पता है? भाभी इंसान की जाति नहीं, उसका काम देखा जाता है। आप देखो इन दोनों ने कितने साफ सफाई से खाना बनाया है। क्या आप रेहड़ी वाले या कोई भी जहां बाहर से खाते हो या मंगाते हो, वो आपके सामने बनाते हैं? खैर अपनी अपनी सोच है। सभी मेहमानों ने इसके खाने की तारीफ ही की है। अगर आपको इसके हाथ का बना खाना पसंद नहीं तो वह सामने रसोई है और उसी में सारा सामान है, आपकी जो इच्छा है बनाओ और खाओ। और हाँ, आप वाली बात है कि आप घर के ही तो हो, फिर अपने घर में बनाने खाने में कैसी शर्म। वैसे फल और मिठाई भी वह देखो सामने रखे हैं। अगर थकावट के कारण खाना बनाने का मन ना हो तो आप उन्हें भी खा सकती हो। अच्छा मैं चलूं, अभी बहुत काम निपटाने बाकी है, कह रश्मि अपनी भाभी का जवाब सुने बिना कमरे से बाहर निकल गई। दोस्तों आपको हर फंक्शन में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो उठाने को एक तिनका भी नहीं उठाएंगे, लेकिन आपके अच्छे भले हर काम में 100 मीन मेक निकाल देंगे, जैसे रश्मि की भाभी, जिसकी बातों का रश्मि ने बहुत तर्कपूर्ण जवाब दिया। क्या आप रश्मि के विचारों से सहमत है? क्या रश्मि ने अपनी भाभी के साथ सही किया?